परम सत्कार योग सत्संग जीयो सेव श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हां दी पावन हजूरी विच बैठ के आप जी इन्हां दरगाही घड़ियां दा आनंद ले रहे हो। सतगुरां दी बख्शी फतेह प्रवान करो, नाल अपनी असीस बख्शो ताँ जो कीर्तन द्वारा आप संगतां दी सेवा कर सकीए। आओ सारे प्यार नाल फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कुछ पिछले जन्म दे चंगे कर्म हन जो ए संगत मिली, ए जो हुण पुन कमारे ओ संगत करके इदा फल भी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सानू जरूर बख्शणगे। बेशक अज समझ ना आवे पर समा आवेगा जिस वेले ए ज्ञान होवेगा, जिस वेले तुसी कीर्तन सुन के अपने अपने घरां नू जाओगे। एक गल याद रखना सत संगत, उस वेले तुसी इकलिया नहीं जाना, तुहाडे नाल धन गुरु नानक साहब दीआं रहमतां ने भी जाने। आखो सतनाम श्री। बड़े वड्डिआं भागां वाले हो जो लंबे समय तो धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पावन हजूरी विच हाजरियां भर रहे हो, और इहदा फल मिलेगा, इहदा फल धन गुरु नानक साहब जरूर देणगे। तो आओ जिन्हां भी संगतां दूरों नेड़े चल के आए हो, सारे मिल के कीर्तन करिए, कोई भी रसना वांझी ना रह जाए। साढ़े पांच सौ साल गुरु दे नाल खुशियां नाल मनावांगे, साढ़े पांच सौ साल गुरु दे नाल खुशियां नाल मनावांगे। धन गुरु नानक देव सच्चा गुरदेव बाबा कर कर गावांगे, बाबा कर कर गावांगे, बाबा कर कर गावांगे। साढ़े पांच सौ इनिया संगतां बैठियां होण ते आवाज नाल ए पंडाल ना गूंजे, गल बणदी नहीं, सतसंग जी करो कृपा। किसी कोलों कुछ मंगना होवे ना ते कई वारी उहदे कोल चल के जाना पैंदा ते आवाज भी मारनी पैंदी है। गुरु कोलों कुछ मंगना है ते गुरु कोल भी आना पवेगा। तुसीं कहोगे आए ते हैगे आं, कई वारी शरीर ते आया हुंदा है पर मन नहीं हुंदा। जिहदे कोलों कुछ मंगना है उहनूं पुकारना ते पैंदा है ना।
पुकारो फिर पुकारदे क्यों नहीं सत संगत खुल के जपो ए पुकारी है किसे नु कुछ चाहिदा है किसे नु कुछ चाहिदा है जो चाहिदा मंगो सतगुर कोलों पर ए पंक्तियां पढ़दियां होयां तो आओ एक बारी दास बोलणगे एक बारी सारी संगत ऊंची आवाज विच लगवाओ हाजरी कोई भी रसना बाजी ना रह जाए साढ़े 500 साल गुरु दे नाल खुशियां नाल मनावांगे जपो साढ़े 500 साल गुरु दे नाल खुशियां धन गुरु नानक दे सच्चा गुरदेव बाबा कर कर गावांगे बाबा कर कर गावांगे बाबा कर कर कालू प्यो मात्रे पता रेंदे विच ननकाने रेंदे विच ननकाने रब वर्गी इक पैन नानकी रब दिया रमजा जाने रब दिया रमजा जाने एक मरदाना यार तेरा ए बुलार ए इतिहास सुनावांगे एक मरदाना बाबर जे हंकारी बाबर जे हंकारी सज्जन ठगते चोर भूमिया राकश वली कंधारी राकश वली कंधारी रब दा ए संसार सारा परिवार सबनू प्रेम सिखावांगे रब दा ए संसार सारा परिवार सबनू प्रेम सिखावांगे बाबा कर कर गावांगे बाबा कर कर गावांगे साढ़े 500 साल गुरु दे नाल खुशियां नाल मनावांगे सारे जपो साढ़े 500 साल धन गुरु नानक देव सच्चा गुरदेव बाबा कर कर गावांगे बाबा कर कर सितारे चन रहणगे शरदा दे नाल लोकी नाम तेरा लैणगे जिन्ना चिर सूरज सितारे चन रहणगे शरदा दे नाल लोकी नाम तेरा लैणगे सबना उत्ते मेर करी तू सबना उत्ते मेर करी तू मेर करी तेरा नाम
कर कर गवांगे साढ़े पांच सौ साल गुरु दे नाल खुशियां नाल मनावांगे धन गुरु नानक देव सच्चा गुरुदेव बाबा कर कर गवांगे बाबा कर कर गवांगे बाबा कर कर ऐसा नाम निरंजन होए ऐसा नाम निरंजन होए ऐसा नाम निरंजन होए ऐसा नाम निरंजन हो जपो ऐसा नाम निरंजन होए सत्संगत कीर्तन करन नाल मन पवित्र हुंदा है इस करके साडा ख्याल है जिथे तक साडी नजर जांदी है संगतां ही संगतां नजर आ रही ने जपदे ते सारे ही पए हो पर जे प्रगट रूप विच जपो एक वारी बोलोगे तां किन्नियां आवाजां कन्नां विच पैणगियां जिहड़े पिछे बैठे ने ओह वी जरूर बोलदे होणगे पर इन्नी संगत होवे ते पंडाल ते गूंजणा चाहीदा है आप जी रोज दे नितने मी हो श्री जपजी साहब दा पाठ आप जी निता प्रति करदे हो तो आओ एक वरी दास बोलणगे एक वरी सारी संगत उच्ची आवाज विच लगवाओ हाजरी कोई भी रसना वांझी ना रह जाए ऐसा नाम निरंजन कागद कलम न लिखन हा मने का मैं करन विचार ऐसा ना
मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की सुध मन्ने सत्कारयोग सत्संग जीओ एक शायर दा कथन है ऐ खुदा तेरा कर्म तो सबके लिए है हम कितना ले सकेंगे ये मुकद्दर की बात है। सिख पंथ दी अजीम शख्सियत मायानाज हस्ती परम सत्कारयोग ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब उन्हां दे आशीर्वाद सदका असी कुछ वचन आप जी दे सामने रखिए। सत संगत गुरु ऐसा है जिदे वल केवल एक कदम प्यार नाल चलन दी लोड़ है ओ करोड़ा कदम साडे वल चल के सानू अपने गल दे नाल लगा लैंदा है। गुरु इना बख्शांदा है साडे जन्मां जन्मां दे लेखे एक छिन विच फाड़ देंदा है। साडे झुकण विच देरी हो सकदी है ओ साडे वड्डे तों वड्डे गुनाह बख्शण विच एक छिन वी नहीं लगांदा। सब तो वड्डी गल गुरु अपने सिख दी सिर्फ इस लोक विच ही नहीं बल्कि परलोक विच भी बाह नहीं छड़दा। एथे उथे रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला। सतसंगत गुरु नानक साहब ने महाराज ने कश्मीर विच सिखी दा प्रचार कीता सी बड़ी उथे सिखी प्रफुल्लत होई ते कश्मीर श्रीनगर दे विच धर्मशाला विच बह के रोज संगता कथा कीर्तन करदियां नाम जपदियां सन। ते इसे संगत दे विच एक नौजवान लड़का भी आंदा सी जिदा नाम सी सेवादास। एक घर विच कल्ला ही सी जिहड़ा गुरु की संगत करदा सी।
सत संगत कई वारी मां प्यो बच्चियां नूं धर्म दे रस्ते ते तोरदे ने ते बच्चे नहीं चलदे ते कई वारी बच्चे ही इन्ने भागां वाले पैदा हो जांदे ने ओह अपने सारे घर परिवार नूं उस पासे तोर लैंदे ने। भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने कि सेवादास दी बजुर्ग माता सी जिदा नाम इतिहास विच भाग परी लिखिया है। एक दिन माई भाग परी अपने पुत्र नूं कहण लगी, सेवादास मैं कुछ दिनों तो देख रही हाँ तेरा जीवन बड़ा बदल गया है। रोज अमृत वेले उठदे इशनान करदे ते चौंकड़ा मार के बह जाने, हौली हौली कुछ पढ़ने समझ नहीं आती पर दिल नूं चंगा लगदा है। ते सेवादास जिस रस विच बैठा सी उसे रस विच कहण लगा, वां मैनू गुरु नानक दी संगत मिल गई है ते संगत मिलण दे नाल मेरा जीवन बदल गया है। प्यारे असी बेनती करिए जिहड़ी कला गुरु की संगत विच वरत जांदी है ना उह बार भावें लखां दे दुनियावी इकट्ठ होण उहदे विच उह खेड नहीं चे बणदी। जिस वेले कथा कीर्तन सुनिया माई भाग परी दा मन गुरु दे चरणां नाल जुड़ गया। कहण लगी, पुत्तर इह सारे छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब जी दीआं सिफतां कर रहे ने ते मेरा भी जी करदा है कि मैं भी श्री अमृतसर जा के महाराज दे दर्शन करा, पर मैं बजुर्ग हो गई हाँ, कश्मीर तो पंजाब दूर बहुत है ते मैं किवें जावांगी। आखो सतनाम सिरी। सत संगत सेवादास सहज सुभाई कहण लगा, मां मैं संगत विचों सुनिया है जिहड़ा महाराज नूं श्रद्धा नाल दिलों याद करदा महाराज उहदे कोल आपे ही चल के आ जांदे ने। ते सत संगत सेवादास दी गल सुन के ना बजुर्ग माता दे मन अंदर भावना जाग पई भई सच्ची मुच्ची गुरु हरगोबिंद साहब मैनूं दर्शन देण वास्ते इत्थे आणगे। सत संगत इतिहास विच लिखिया है कि माता अठे पैर ही गुरु साहब नूं याद करन लग पई। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਜ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸੇਵਾਦਾਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੀ? ਸੇਵਾਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਦਈਏ? माता कहन लगी, इस तरह करने आ महाराज वास्ते चोला बना लैने आ। सतसंगत माई भाग परी ने गुरु गुरु जपदिया पहला आप कपाह नूं कत्या, फिर सूत्र उणिया ते नाम सिमरन करदिया ही छेवें पातशाह वास्ते अपने हथां दे नाल इक चोला तैयार किया। जिस वेले चोला तैयार हो गया ते माता अपने मन विच सोचती है भी जिस वेले महाराज आणगे ते महाराज नूं बिठावांगी किथे। ते माता ने सेवादास नूं कह के एक वधिया पलंग भी तैयार कराया सतगुरां दे बहण वास्ते। उस पलंग ते रोज चादर विछांदे ने, ताजे फुल रखदे ने, नाल ओ चोला भी रख देंदे ने ते अरदासां करदे ने, मीरी पीरी दिया मालका कद आवेगा, कद ए चोला पावेगा। इउं सेवा करदिया करदिया कई महीने बीत गए ते सत संगत लोग हुण आपस में गल्लां करन लग पए। सेवादास नूं कहण लगे, सेवादास तेरी माता बजुर्ग हो गई है, उन्हूं इन्नी समझ नहीं किथे पंजाब ते किथे कश्मीर महाराज ने नहीं आउणा। लोकां दा प्रेरिया होया सेवादास अपनी मां नूं कहण लगा, मां असीं इह चोला किसे सिख नूं दे देने आ, उह आपे अमृतसर जा के महाराज नूं भेट कर देगा, सतगुरां कोल आया नहीं जाणा। पर सत संगत बजुर्ग माता दा प्यार बड़ा पै चुका सी सतगुरां नाल। कहण लगी, सेवादास मेरा मन कहिंदा इक दिन मीरी पीरी दा मालक आवेगा, जरूर आवेगा। कहण लगी, मैं अरदास कर बैठी हाँ महाराज, मैं उन्ना चिर तक शरीर नहीं त्यागना जिन्ना चिर तक तुहानू चोला पाया होया नहीं वेखांगी। आखो सतनाम श्री। भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि रोज की तरह अज भी सेवादास फुल तोड़ के लिया है,
पलंग ते चादर भी विछा दिती, फुल भी रख दिते, नाल ओ चोला भी रख दिता। दरवाजा बंद है, मां पुत्र अखां बंद करके बैठे ने। ते अचानक सेवादास नूं इउं लगा जिवें दिल नूं इक खिच जी पई है। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज सिखां समेत माई भाग परी दे घर दे बार जा पहुंचे। सतगुर घोड़े ते सवार ने ते घोड़ा पौड़ मारदा जमीन ते। सत संगत जिस वेले घोड़ा पौड़ मारे ना, ये निशानी हुंदी सी कि बाहर कोई आया है, क्योंकि आवाज पैदा हुंदी है। सेवादास एकदम काली नल उठिया, जाके बुआ खोलिया ते हैरान ही हो गया। की देखदे, सामने अरशां दे मालक धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज खलोते ने। ते सतगुरां दा स्वरूप कैसा सी, सीस दे सोहनी दस्तार उपर कलगी रेशमी बस्तर, सोहना दाड़ा चेहरे ते नूर, चेहरे दा जलाल चलिया नहीं जांदा, अखां विच्चों अमृत वरसदे। ओ जिहदे वल प्यार नाल देखदे ने गुरु हरगोबिंद साहब, ओहदा जन्म मरन सवर जांदे। जिस वेले गुरु हरगोबिंद साहब नूं तकिया, सेवादास चरणा ते डिग पिया, सब कुछ भुल गया। सतगुरां सिर ते प्यार दिता, सेवादास उठिया। सतगुरां दा चेहरा देखदे आंसू नहीं रुकदे, पर ये आंसू मिलाप दे ने। सेवादास ने आवाज मारी, मां ए वेख सच्ची मुची गुरु हरगोबिंद साहब महाराज आ गए ने। मां ने अखां खोलिया, सामने सतगुरां नूं देखिया, इउं रोई जिवें बच्चे रोंदे हन। ते नाले कहन लगी, दाता कुछ दिन होए रामगढ़ मैनू लैण वास्ते आए सन, मैनू कहिंदे सन कि तेरा समा हो गया है। ते मैं क्या, हाले मेरा समा किवें हो सकदा है, हाले ते मेरा गुरु नहीं आया। ऐ दाता रामगढ़ भी वापस चले गए तेरा नाम सुन के। हुण गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज उस पलंग ते जाके बैठे जिहड़ा महाराज वास्ते बनाया होया सी। गुरु हरगोबिंद साहब कहन लगे, मां तेरे प्यार दी खिच ने सानू टिकन नहीं दिता, तेरिया अरदासा ने सानू आन वास्ते मजबूर कर दिता है, ऐ वेख तेरा चोला लैन वास्ते आए हाँ। सत संगत गुरु कितना प्यार कर दे। जिस वेले माता चोला लेके आई, बड़ा खुला बनाया सी, क्योंकि संगता ने दसिया सी सतगुरु बड़े लंबे उच्चे जवान ने। जिस वेले चोला लेके आई ना, सतगुरां उपर ही पहन लिया। सत संगत ओ बलवान भी ये, योद्धा भी ये, बादशाह भी ये, फकीर भी ये, ते भोला भी बड़ा। जिस वेले सतगुरां चोला पाया ते पा के कहन लगे, मां हुण दस मैं किहो जिहा लगना। तेरी इच्छा सी ना मैं देखा मेरा गुरु चोला पा के किहो जिहा लगदा है। इउं आंसू निकले भाग परी दी अखां चों जिवें बरसात पैंदी है। चरणा ते सिर रख दिता, कहन लगी, दाता ए नहीं सी पता के इतना प्यार कर दे तू, दिलां दियां जान दे। सत संगत इतिहास कहंदा है कि दो दिन माई भाग परी ने महाराज नूं अपने हथी प्रशादा छकाया। माता दी ए अवस्था हो चुकी सी प्रेम करके कि उन्हों पता लग गया सी कि अज मैं अपना शरीर त्याग देना है। हथ जोड़ के कहन लगी, महाराज मेरा अंतम समा आ गया है, कुछ ही श्वास बाकी ने। गुरु हरगोबिंद साहब कहन लगे, मां अगर कुछ मंगना ही ते मंग ले। माई भाग परी हाथ जोड़ के कहन लगी, दाता तुसी मिले जीवन दी सदर पूरी हो गई, हुण एक कृपा होर कर दियो, मेरे सिर ते अपना मेहर भरिया हाथ रख दियो ताकि ये जीवन यात्रा सफल हो जावे, लोक परलोक सफल हो जावे। इदा इन्ना प्यार देख के गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज रहमत दे घर विच आए ते कहन लगे, मां चंगा मां फिर बोल वाहिगुरु। माता ने किया वाहिगुरु, दूजी बारी फिर किया बोल वाहिगुरु, माता ने फिर किया वाहिगुरु। सत संगत इतिहास कहंदे कि माई भाग परी ने वाहिगुरु करदिया गुरु हरगोबिंद साहब के चरणा ते मत्था टेक के अपने प्राण त्याग दिते। अंतला समा छेवें पातशाह की गोद विच आया। एक बेनती कर दी है सत संगत,
जदों कदी तुहाडा हौसला तुहाडी हिम्मत जवाब देन लग जाए, मन टुटन लग पवे, अखां विच अथरू भरे होण, अपने पराए सब दूर हो जाण, जदों मन नूं लगे कि कोई होर सहारा नहीं ता उस वेले दुनिया दा सहारा लभण दी कोशिश ना करना, दुनिया दे मालक दा सहारा लभण दी कोशिश करना। सारे दरवाजे बंद हो सकते ने, लेकिन परमात्मा दा दरवाजा कदी बंद नहीं होंदा। सब साथ देना छड़ सकते ने, लेकिन परमात्मा कदी तुहाडा साथ नहीं छड़ेगा। किसे होर नूं तुहाडे ते तरस आवे ना आवे, गुरु नूं तरस जरूर आवेगा। कोई तुहाडी देखभाल करे भावे ना करे, वह मालक जरूर करेगा। उहदा सहारा सब तो वड्डा है। सतसंगत देण वेले मालक दे हाथ नहीं दिखाई देंदे, पर उहदा दित्ता होया झोली विच जरूर नजर आंदा है। इस वास्ते अगर अरदास करनी है ते गुरु अगे करो, जिहड़ा सब दियां अरदासां सुणदा है। आओ सारे मिलके जपो जी। तेरी बाणी दा करो कल्याण साडी जिंदगी ने माणी दा हिरदे च वासा होवे दाता तेरी बाणी दा बा फड़ के कदे ना मेरी छोड़ी good।
ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਈਏ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਈਏ ਜੀ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਈਏ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ ਜਪੋ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਚ ਖੜੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਸਵਾਲੀਏ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾਤਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੀਏ ਚਰਨਾਂ ਚ ਖੜੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਸਵਾਲੀਏ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਤਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੋਹਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਸੋਹਲਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਇਹ ਸੋਹਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬੋ ਭਰਿਆ ਬਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਵੇਲਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਕਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਏ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘ 'ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰੇ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਰਾਤ ਵੀ ਦਿਨੇ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕਲੋ ਕੇ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਕਤ ਹੈ ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੌਂਦਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ
देखदिया देखदिया गुरु नानक साहब दियां लत्तां दे उपर चरीटां पै गईयां। जिवे कोई चीज लगन नाल चरीट पैंदी है ते थोड़ा जिहा खून निकलन लग पैंदा है। इस तरह निशान पै गए वेखदिया वेखदिया। बड़े हैरान होए भाई लैणा, पर पुछया कुछ नहीं, सेवा करदे रहे। अगला दिन चढ़िया ते भाई लैणा जी ने बेनती की, महाराज तुहाडे चरणा विच रहिंदिआं मैं कई कौतक देखे ने, पर रात का कौतक बड़ा अजीब सी। कहन लगे की होया? भाई लैणा जी कहन लगे, महाराज आप आराम कर रहे सो, मैं पखा चल रहा सा, मेरे देखदिआं देखदिआं तुहाडी लत्तां दे उपर झरीटां पै गईआं। आप कृपा करो दसो ये की कौतक वरता रहे सो। कहिंदे ने सतगुरां ने पहला ते टाल दिता, लैणिआं छड्ड तू सेवा कर, तू की लैणा। पर लैणा जी दे बार बार बेनती करन ते सतगुरां ने दूरों एक सिख नूं बुलाया। कहन लगे उन्हूं नेड़े बुला के लियाओ। उह सिख जदों नेड़े आया, सतगुर कहन लगे, लैणिआ हुण इह तैनूं दस देगा कि रात मेरियां लत्तां ते चरीटां क्यों पईआं। सिख जदों नेड़े आया ना, सतगुर कहन लगे, सिखा काम की कर रहा करना? कहन लगा, महाराज मेरे कोल भेड़ां बकरियां ने, उन्हां नूं चराउणा इही मेरा काम है, सारा दिन भेड़ां बकरियां चराणियां। ते फिर रात नूं किधर जाने? कहन लगा, मेरा घर घाट कोई नहीं, रात नूं मैं चराउण दे विच ही जिथे यानी कि मैं चराना उत्थे एक थां बणिआ होया खाली थड़ा, उत्थे सारियां भेड़ां बकरियां मैं इकट्ठियां करके बिठा देना, कोल ही आराम करना, सवेरे फिर उठ पैना। सतगुर कहिंदे ने, फिर रात किवें लंघी आ जिहड़ी पिछली रात तू बाणी पढ़िया करना? कहन लगा, महाराज तुहाडी कृपा नाल तुसी किहा होया भी सुण लग्गिया कीर्तन सोहले दी बाणी पढ़िया करो, ते मैं पढ़ के सुनना वा। जदों पशु सारे बैठ जांदे ने मैं पढ़ना वा, नींद आ जांदी ये सौ जाना बेफिक्र हो के, क्योंकि तुसी किहा कि जिहड़ा सौण तो पहला कीर्तन सोहला पढ़ेगा, सौण तो बाद उहदा जिम्मेवार मैं आ। महाराज कहन लगे, मैं तैनूं एक गल ये भी कही सी कि जदों कीर्तन सोहले दी बाणी पढ़नी उहदे कम ना करी, सोहला पढ़दिआं पढ़दिआं कम ना करी। हुण उस बंदे नूं होश आ गई, वह हथ जोड़ के खड़ा हो गया। कहन लगा, महाराज बिल्कुल ठीक है, गलती बहुत वड्डी होई है, रात मैं सारियां भेड़ां बकरियां इकट्ठियां करके बिठा के ते पहला वांगू नेम अनुसार कीर्तन सोहला पढ़न लगा सां, कि इन्ने नूं इक बकरी दा छोटा जिहा बच्चा विच्चों उठ के दौड़ गया, ते मैं एक ही शब्द पढ़िया सी बाकी रहिंदे सन। कहन लगे, फिर की होया? कहिंदा, मेरे मन विच आया कि जे इहनूं अज हुण लभ के ना लियांदा ते इहने गवाच जाणा, इहने गुम जाणा, ते ना विच बाणी पढ़नी छड़ सकदा सां। कहन लगा, मैं कीर्तन सोहला पढ़दा पढ़दा उस बकरी दे बच्चे पिछे दौड़िया, ते सोहला पढ़दा पढ़दा ही उहनूं वापस लिया के बिठा दिता। इन्ने चिर नूं भोग भी पै गया, बस ये हुई है गलती। सतगुर कहिंदे ने, सिखा जिथों दी तू लंघे है उत्थे कंडे नहीं सन, झाड़ियां नहीं सन। उस सिख कहिंदा, महाराज झाड़ियां ते बड़ियां सी, हनेरा भी सी, मैं विच्चों दी लंघे हाँ पर मैनूं ते कुछ नहीं होया। सतगुर कहन लगे, तैनू ते कुछ नहीं होया पर साडियां लत्तां छिलियां गईयां। भाई लैणा जी कोल खड़े ने, पैरां थल्लेओं जमीन निकल गई। कहन लगे, महाराज इन्नी नजदीकी सिख दे नाल? गुरु नानक साहब कहन लगे, लैणिआ जदों कोई बंदा श्रद्धा भावना नाल एकागर चित हो के कीर्तन सोहले दी बाणी पढ़दा प्यार नाल ध्यान नाल, फिर जिहड़ा भी दुख सुख आंदा उहदे शरीर नूं उहदा जिम्मेवार मैं आ। सतसंगत गुरु नानक साहब दा वचन है कि जिहड़ा प्राणी रात रात नूं सुख दी नींद सोना चाहुंदा है कि मैनूं डरावने सुपने ना आण, मैं चिंता तो मुक्त होके सोवां, वह प्राणी रात नूं कीर्तन सोहले दा पाठ जरूर करके सोवे। कई बारी संगतां कहिंदियां ने कि बच्चे रात नूं डर जांदे ने, ते उहदे वास्ते वी प्यारे हो अपने बच्चियां नूं कीर्तन सोहले दा पाठ जरूर करके सुआया करो।
महाराज का वचन है, जिहड़ा प्राणी रात नूं कीर्तन सोहला पढ़ के सोवेगा, आदियां ब्यादियां उपादियां उन्हें तंग नहीं करनगियां, उस प्राणी की सारी जिम्मेवारी गुरु की होगी। उस महान सतगुरु का तुसी पावन प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हो, तो आओ सारे मिलके जपो जी। दुनिया तो कुछ खटना है, इस दर ते आके वेख जरा, जे दुनिया तो कुछ खटना है, इस दर ते आके वेख जरा, जपो जे दुनिया तो कुछ खटना है, इस दर ते आके सतगुर नानक दी तस्वीर वसा के वेख जरा, अखियां विच सतगुर नानक दी तस्वीर वसा के वेख जरा, जे दुनिया तो कुछ खटना है, इस दर ते आके वेख जरा, बोलो जे दुनिया तो कुछ खटना है। एक भी पल नहीं लगता, तू खाक दाते दे चरना दी मस्तक ते लाके वेख जरा, तू खाक दाते दे चरना दी मस्तक ते लाके वेख जरा, जे दुनिया तो कुछ खटना है, दर ते आके वेख जरा, बोलो जे दुनिया तो कुछ खटना है। Is that
नानक साहिब जी तेथो जावा वारी धन गुरु नानक साहिब जी तेथो जावा वारी नमस्कार है बाबा जी थानू लख बारी नमस्कार है बाबा जी थानू लख बारी धन गुरु नानक साहिब जी तेथो जावा वारी धन गुरु जावा बारी नमस्कार है बाबा जी थानू लख बारी जपो नमस्कार है नमस्कार है बाबा जी थानू लख बारी बोलो नमस्कार है संगत असी ते आप ही गल कहने कि गुरु के कीर्तनी आंदे ने अपनी अपनी वारी नाल सारे कीर्तन करके चले गए पर तानू तुसी जो ऐस वेले तक चौंकड़े मार के बैठे हो इतनी श्रद्धा प्यार दे नाल बैठे हो बहना कोई सौखा नहीं होंदा सतसंगत जी बड़ा मुश्किल होंदा बहना पर जिन्हां ते गुरु मेहरबान होवे ओही गुरु कोल बह सकते हैं तो आओ एक बारी दास बोलणगे एक बारी सारी संगत उच्ची आवाज विच कृपा करो गुरु नानक साहब दे चरणां विच लगवाओ हाजरी दाता चंगेयां मंदेयां जैसे भी आ हां ते तेरे साडे औगणा वल ना वेख साडे सिर ते भी अपना मेर भरिया हथ रख ताकि साडे दुख दलिद्र भी कटे जाण सारे कृपा करो जी धन गुरु नानक साहब जी तेथों जावां वारी धन गुरु नानक साहब जी तेथों जावां वारी नमस्कार है बाबा जी थानू लख वारी सारे बोलो नमस्कार है
नमस्कार है बाबा जी थानू लखबरी, नमस्कार है नमस्कार है बाबा जी तुहानू लखबरी, नमस्कार है बाबा जी तुहानू लखबरी। धन गुरु नानक साहब जी तेथों जावां वरी, धन गुरु नानक साहब जी तेथों जावां वरी। नमस्कार है बाबा जी तुहानू लखबरी, नमस्कार शिकार है बाबा जी तुहानू लखबरी, नमस्कार है बाबा जी तुहानू लखबरी। धन गुरु नानक साहब जी तेथों जावां वरी, धन गुरु नानक साहब जी तेथों जावां वरी। नमस्कार है बाबा जी तुहानू लखबरी, नमस्कार है बाबा जी तुहानू लखबरी। नमस्कार है बाबा जी तुहानू लखबरी। वाहे गुरु। हुक्म आया संगतां वल्लों दो बारा सुनाउण दा, इस वेले आप जी एक बार सरवण करो। अरदास मालका चरणा विच तेरे, आओ सारे मिलके प्यार दे नाल सरवण करो जी। दुनिया दे वंड खुशियां खेड़े, दुख कट दुनिया दे वंड खुशियां खेड़े। अरदास मालका चरना विच तेरे, जपो अरदास मालका, अरदास दातिया चरना विच तेरे, अरदास दातिया। सानू प्यार करन दी दाता जाच सिखा दे, कदे वैर ईरखा ना मन विच आवे, जो दूर ने तेथों आ जावण नेड़े, जो दूर ने तेथों आ जावण नेड़े।
अरदास दातिया गुरु के प्यारिया ने पर उपकारी श्रद्धा वाले संगतां ने कीर्तन दा सत्कार करदिया होया मीरी पीरी कीर्तन विद्यालय दिया उन्हां बच्चियां वास्ते माया अरदास करवाई है। असी दोनों हाथ जोड़ के धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के पावन चरणा विखे अरदास करते हैं कि सतगुरु जिन्हां गुरु के प्यारिया ने आप जी दियां लाडलियां संगतां ने अपनी किरत कमाई दे दसवंद नूं लेखे लांदिया होया उन्हां बच्चियां वास्ते माया अरदास करवाई है। पातशाह आप सब दी किरत कमाई कारोबारां विच बरकत बख्शण आण वाला समां तुहाडा सारिआं दा सुखां भरिआ आवे। मेरे सतगुरु तुहाडा ते तुहाडे बच्चियां दा भला करन। धन्नवाद है जुगो जुग अटल साहिब सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा। दूरों नेड़े चल के आईया हुई शरदा मन संगता दा तहे दिलों धन्नवाद। अति धन्नवादियां सब दा भला मंगण वाले पिंड अर्जनवाल दे समूह शरदा मन प्रबंधक सहबान दा विदेशों विच वसण वाले गुरु नानक साहब दे नाम नाल प्यार करन वाले समूह एन आर आई वीरां दा धन्नवाद करने आं। सूझवान स्टेज सकत्तर साहब सिख पंथ दे महान विद्वान परम सत्कारयोग भाई साहब भाई जगजीवन सिंह जी उन्हां दा धन्नवाद करना चाहते हैं।
ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਰਹਿ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਦਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇਖੇਵਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।